हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भीम मौर्या, आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसी क्रम में साथियों, आज हम आपको बताएंगे प्रतिसत्ता। यह ऐसा टॉपिक है जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC ऑल एग्ज़ाम या कॉलेज में बहुत बार पूछी जाती है और आगे बहुत बार पूछी जाएगी भी। तो इसके पहले साथियों, हम इसका वीडियो बना करके इस टॉपिक का चैनल पर प्रोवाइड करा दिया हूं, आप जा करके उसको देख लेंगे। उसी क्रम में चलिए उसी के आगे हम आपको बताते हैं। तो साथियों, है क्या है, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व ₹17,280 में खरीदी गई, यदि इसका अवमूल्यन 16.3% वार्षिक दर से हो तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा। विकल्प ए है 11,000, विकल्प बी है 12,000, विकल्प सी है 13,000, विकल्प डी है 14,000। साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखेंगे हल। उसके बाद देखो पी बराबर कितना है, पी इक्वल टू है 17,280। अब आर बराबर कितना है, आर यानी दर, आर बराबर है कितना, देखिए है आर 16 सही 2/3%, 3% हो गया। अब उसके बाद साथियों एन बराबर, समय बराबर कितना है, 2 वर्ष, देखो 2 वर्ष एन बराबर लिखो 2 वर्ष। थोड़ा इसको हम और हल कर लेते हैं, 16 3 48 2 50 बराबर करके बदर हो जाएगा 50/3, क्योंकि बटे में है भिन्न में है तो ये ऐसे हो जाएगा 50/3 हो गया। चलो तो दर इस पर एन बराबर लिखो, एन बराबर 2 वर्ष यानी समय बराबर 2 वर्ष। अब साथियों सूत्र होता है इसका, सूत्र था पी बराबर पी इज इक्वल टू ब्रेकेट में 1 - R/100 इंटू एन। तब पी पे लिखेंगे 17,000 बराबर 17,280 रुपया, उसका 1 - R कितना है 50/3। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप ज़िंदगी भूलेंगे नहीं, केवल आप हमारे साथ बने रहें। उसके बाद फिर सब यहाँ सूत्र वाला यहाँ पर आ गया। अब साथियों अब 2 है 2 यहाँ पे लगा दीजिए, एन के स्थान पे देखो एन है, एन के स्थान 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 17,280 इंटू 1 - अब क्या हो जाएगा, ऊपर 50 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 300 हो जाएगा, यहाँ 50 यहाँ 300 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा, देखो 300 1 = 300 और 50 के 250 बचेगा। फिर लिखेंगे 17,280 इंटू 300 में से 50 गए 250, लिखो 250/300 इंटू होल स्क्वायर, देखो 1 0 से 1 0 1 0 से तो 5 से काटेंगे 5 × 25 और इधर 5 × 30। अब क्या आ जाएगा साथियों, आएगा 17,280 देखो 2 बार है ना, तो 5/6 × 5/6। अब क्या करेंगे, 17,280 का, उसके बाद इसमें 6 × 36 है, 6 × 36 भाग दे दीजिए। चलो हम दे देते हैं, देखो 17,280 लिखो 17,280 भागे 36, 6 × 36 भाग दे दें, कितना है साथियों, ये आएगा कितने, 4 बार जाएगा, 4 × 24 4 हासिल 2 4 × 3 = 12 12 × 2 = 144 आ गया। अब 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पर 7 में से 4 गए, अब नहीं 6 में से 4 गए 2, अब फिर 8 उतारेंगे, फिर जाएगा 8 बार 8 × 48 = 8 हासिल 4 8 × 3 = 24 24 × 4 = 28 8 बार गया, ये पूरा कर गया। देखो ये 0 बच रहा है, 1 0 यहाँ, फिर 1 0 यहाँ भी चला जाएगा, अब पूरा हो गया, 480 हो गया। अब 480 यहाँ लिख देते हैं बराबर 480। अब देखिए इसका मैं 36 वो हो गया, अभी 5 × 25 है, 5 × 25 × 25 करिए 25। अब 480 को 25 से गुणा कर दीजिए, देखो 480 है, अब 25 से गुणा कर देंगे, 25 से गुणा करेंगे 5 × 0 = 5 × 8 = 40 0 = 4 अब 5 × 4 = 20 20 × 4 = 24 और 2 × 0 = 2 और 16 + 6 = 1 2 × 4 = 8 = 9 अब जोड़ेंगे 0 0 6 4 10 0 = 1 9 2 11 12 यानी आएगा क्या साथियों, 12,000
ये हो जाएगा साथी वो आंसर। इस तरह से जो है विकल्प बी सही है साथियों। आप लोग यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ साथियों इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यदि आप वीडियो रोक करके देख लेंगे तो पूरा समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो बेहतर करके आएंगे। ऐसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।